वही कारगिल युद्ध में सैनिकों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। आपको बता दें कि अहमदनगर जिले और बीड जिले की सीमा पर स्थित शिवगांव तालुका के सुकली गांव के वसंत पाडुरंग गरंड कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। सरकार ने पिछले 25 सालों में यहां स्मारक नहीं बनवाया। लोगों का कहना है कि सरकार विकास कार्यों पर करोड़ों खर्च करती है, लेकिन इस कारगिल युद्ध के शहीद सैनिक के लिए स्मारक बनाने के लिए कोई फंड नहीं है। इस दिन पूर्व सैनिक बाबा साहेब अंधारे समाज सेवी मधुकर पाटेकर ने शहीद सैनिक को श्रद्धांजलि अर्पित की। अहमदनगर से जयप्रकाश बागड़े की रिपोर्ट।